हेलो ब्रीवन, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ऐसे बच्चे जो नीट एग्ज़ाम दे चुके हैं और उसके कम मार्क्स आ रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा बट वो MBBS करना चाह रहे हैं प्राइवेट कॉलेज से, तो उनके लिए बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि मैं बिहार के वो कॉलेज लेके आया हूँ इस वीडियो में जिसकी फ़ीस बहुत कम है और बहुत अच्छी कॉलेज है, काफ़ी पुरानी कॉलेज है। और ऐसे लोग जो इंडिया में रह करके कम पैसे में, अगर मार्क्स भी कम है और कम पैसे में, मतलब और सब कम कॉलेज के कंपैरेटिव जो है, आपको कम फीस में 50-60 लाख के अंदर आपको MBBS करना है, तो उन लोगों के लिए बिहार एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है क्योंकि बिहार जो है ओपन स्टेट है। यहाँ पे दूसरे स्टेट के बच्चे भी प्राइवेट कॉलेज, अगर सीट लेना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में सीट लेना चाहते हैं, तो वो आसानी से ले सकते हैं। तो कौन सा कॉलेज का कितना कौन सा राउंड में कट ऑफ गया और उसकी कितनी फ़ीस है, ये हम सबसे एक पहला नंबर पर जो कॉलेज है कटिहार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कटिहार में है। ये बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी बिहार में कटिहार मेडिकल कॉलेज ही होता है। अगर किसी को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो पहला प्रायोरिटी कटिहार मेडिकल कॉलेज होता है। इसका राउंड वन में जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर 2023 में, वो 484 नंबर गया था जनरल का। और इसमें ये कटिहार मेडिकल कॉलेज, दो कॉलेज है बिहार में जिसमें मुस्लिम माइनॉरिटी की एक बेनिफिट मिलती है, तो मुस्लिम माइनॉरिटी की जो कट ऑफ गई थी 331 नंबर कट ऑफ गई थी, और राउंड टू में जिसका कट ऑफ गया था 464 नंबर कट ऑफ गया था, और मुस्लिम माइनॉरिटी की कट ऑफ 308 नंबर गया था। यहीं अगर ट्यूशन फी की बात करें तो ट्यूशन फीस इसका 9,35,000 एक साल का है, और हॉस्टल फीस आपको जैसा हॉस्टल लोगे उसके हिसाब से आपको हॉस्टल फीस पे करना पड़ेगा। हॉस्टल की वेरिएशन अलग अलग है, 1-2 लाख से लेकर के 3 लाख तक का फीस है, हॉस्टल फीस है। आपको अगर इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर गूगल फॉर्म मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो फिल करके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसमें अगर जिन लोगों को भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर दूसरे नंबर पर जो कॉलेज है, ये भी बहुत पुराना कॉलेज है। कटिहार के बाद लोगों का दूसरा जो प्रायोरिटी है वो है माता गुजरी मेमोरियल, MGM, माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। ये किशनगंज में है और इसका जो है UR का जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, जो 449 नंबर गया था फर्स्ट राउंड में, और इसका सिख माइनॉरिटी, ये जो MGM में एक सिख माइनॉरिटी मिलता है, तो सिख माइनॉरिटी का जो कट ऑफ गया है 192 नंबर गया है। और अगर दूसरी राउंड की बात करें तो 430 नंबर इसका कट ऑफ गया था UR का, जनरल का, और सिख माइनॉरिटी का 177 नंबर। यानी कि अगर आप सिख हो और नीट क्वालिफाइड हो बस, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा माता गुजरी मेडिकल कॉलेज जो कि किशन में। अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो इसका फीस 9,63,000 फीस है एक साल का, और इसमें भी हॉस्टल का आपको वेरिएशन मिल जाएगा, जैसा हॉस्टल लेना चाहोगे उसके हिसाब से फीस लगेगा, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पे जो कॉलेज है नारायण मेडिकल कॉलेज, ये सासाराम में है। इसका अगर UR की बात करें तो UR में 311 कट ऑफ गया था, और दूसरी राउंड में जो है इसका UR का जो कट ऑफ गया है 264 इसका कट ऑफ गया है। इसका एक साल का फीस 10,38,000 रुपये है। चौथा नंबर पे जो कॉलेज है लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज, सहरसा में है ये। इसका UR का 237 कट ऑफ किया था फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड की बात करें तो सेकंड राउंड में इसका UR का 162 नंबर, यानी कि आप नीट में बस क्वालिफाइड हो, कोई भी कैटेगरी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कैटेगरी नहीं देखा जाता है, वो चाहे मैनेजमेंट कोटा की सीट सब के लिए एक जैसा होता है, वो चाहे जनरल कैटेगरी हो, SC हो, ST हो, OBC हो, BC हो, BC1, BC2, कोई भी कैटेगरी को आप सब के लिए सेम कट ऑफ जाती है, जो कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ सब के लिए सेम है, ठीक है। तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। फिर तो लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज का UR का 237 राउंड वन में कट ऑफ गया था, और UR का 162 जो है राउंड टू में कट ऑफ गया था। इसका फीस की बात करें तो एक साल का फीस इसका 12 लाख रुपये फीस है एक साल का। फिर पाँचवें नंबर पर जो कॉलेज है मधुबनी मेडिकल कॉलेज, ये भी बहुत अच्छा। UR की बात करें तो इसकी राउंड वन की कट ऑफ गई थी 185 नंबर, और इसमें भी मुस्लिम माइनॉरिटी मिलता है, तो इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी की जो कट ऑफ गई थी ओनली 97, समझ रहे हो, ओनली 97। आप अगर बस नीट का एग्ज़ाम दिए हो और क्वालिफाइड हो आप, तो आपको मेडिकल कॉलेज जो है मधुबनी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और दूसरी राउंड में इसकी जो कट ऑफ गई थी 138 UR की, और मुस्लिम माइनॉरिटी की 97 ही, सेकेंड राउंड में भी 97 ही इसकी कट ऑफ गई थी UR की सेकेंड राउंड में भी। अगर इसका फीस का बात करें तो एक साल का फीस इसका 14 लाख रुपये है। छठे नंबर पे जो कॉलेज है वो नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज बिहटा में है। ये बिहटा का UR का जो कट ऑफ गया था 163 नंबर गया था फर्स्ट राउंड में, और सेकंड राउंड में UR का जो कट ऑफ गया था वो 126 नंबर गया था, और इसकी एक साल की जो फीस है वो 16,25,000 है। ये थोड़ा सा महंगा कॉलेज है, नया खुला है, बट इसका एक साल का फीस 16,25,000 है। फिर सातवें नंबर पर जो कॉलेज है श्री नारायण मेडिकल कॉलेज सहरसा में है ये भी। इसका UR का राउंड वन का कट ऑफ गया है 200 नंबर, UR का सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ गया था 175 नंबर। इसमें भी कोई माइनॉरिटी नहीं है, मुस्लिम माइनॉरिटी सिख माइनॉरिटी इसमें नहीं है। इसका एक साल का फीस है 13 लाख रुपए,
एक साल का फीस है 13 लाख रुपए। 8वें नंबर पे जो कॉलेज है राधा देवी जगेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये मुजफ्फरपुर में है, ये नया खुला है। इसका मॉपअप राउंड में 150 नंबर कट ऑफ गया था, ठीक है, मॉपअप राउंड में इसका 150 नंबर कट ऑफ गया था। अगर आप, और इसका एक साल का फीस है 10 लाख रुपए। अगर आप लोगों को किसी ये सब कॉलेज में किसी में एडमिशन लेना है, और अगर आप बिहार से नहीं भी हो, बिहार के बच्चों के लिए तो है ही, अगर बिहार के बाहर से भी हो, आप दूसरे स्टेट से भी हो और इसमें अगर बिहार में एडमिशन लेना चाहते हो, चूँकि ये बजट वाला कॉलेज है जिसकी फ़ीस काफ़ी कम है, क्योंकि और डीम्ड यूनिवर्सिटी की और भी अलग अलग स्टेट में जो बात करें तो ऐसा कॉलेज भी नहीं है, और फीस भी बहुत ज़्यादा 18-18 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख एक साल की फ़ीस है। वहीं आपको अगर ठीक ठाक नंबर आ जा रहा है, 300-400 नंबर आ रहा है आपको, तो आराम से बिहार एक अच्छा आपके लिए कॉलेज साबित हो सकता है। अगर आप यूपी से हो या किसी भी राजस्थान से हो, किसी भी स्टेट से हो और बिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो पेड काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करूँ जरूर करें, और जो भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उनको शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करूँ जरूर करें, मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, धन्यवाद।